मैं जानती हूँ अनाया, तुमने अम्मी की सब बातें सुननी है। अनाया देखो, तुम तो जानती हो ना, अम्मी की आदत है, वो मुझे भी सारे दिन क्या कुछ बोलती रहती हैं। प्लीज तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो। मैंने अम्मी को बोल दिया अनाया कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। कुछ गलत तो कहा नहीं इन्होंने फरीद, ठीक ही तो कह रही है। माशाल्लाह तुम्हारा अपना घर है, ससुराल है, शोहर है, तुम्हारे लिए मजीद मुश्किलें नहीं पैदा करना चाहती आ रहे क्या? ये कैसी बातें कर रही हो अनाया, ये सब बोल के तुम मुझे पराया कर रही हो। तुम मेरी टेंशन नहीं लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज नहीं तो कल फरियाद यहाँ से जाना तो था ही, ये कोई मुस्तकिल ठिकाना थोड़ी है। मगर तुम कहाँ जाओगी, घर तुम जाना नहीं चाहती, हमारा तो कोई ऐसा अपना है भी नहीं जिस पर तुम एतबार कर सको। माँ बाप के घर के अलावा कोई और घर महफूज होता ही नहीं। माँ कब हिम्मत नहीं थी कि बाबा के सामने जा सकूं, अपने आंसू छुपा सकूं कि क्यों उन्हें तकलीफ न हो। तो क्या तुम बाबा को सब मैं नहीं चाहती फरियाल के बाबा को कुछ भी पता चले, लेकिन अब उनकी अनाया में इतना हौसला आ गया है कि वो अपने आंसू उनके सामने छुपा सके, अपने दुख को उनके सामने छुपा सके, उनकी अनाया बन के उनके सामने खड़ी हो सके। मगर अनाया तुम ये बात कब तक छुपा पाओगी? जब तक अल्लाह ने सब्र दिया, बेशक वो सब्र देने वाला है।